Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed about the solid-solid mixture, and in this we will study about the separation of solid-liquid mixtures. So what are solid-liquid mixture? It means कोई भी एक एलिमेंट सॉलिड होगा और दूसरा एलिमेंट हम लिक्विड मिक्स करेंगे उसमें. सो द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड. हम उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे ये सेवरल मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे. बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. द फर्स्ट प्रोसीजर इज बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इन दिस मेथड आप क्या करेंगे, मिक्सचर्स इज अलाउड टू स्टैंड व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स अटेंड लव. सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में, कि हम उसको क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख देंगे, ताकि जो ऑब्जेक्ट हो वो सेडिमेंट हो जाए. सेटल डाउन है सेडिमेंट, जो नीचे बैठ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे सेडिमेंट. वेर इज क्लियर लिक्विड इज लेफ्ट बिहाइंड. आप कुछ देर बाद देखेंगे कि वो जो डस्ट पार्टिकल था नीचे बैठ जाएगा और आपको पूरा लिक्विड एकदम क्लियर दिखने लग जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन. हेयर आपको इसी में जो है तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी. फर्स्ट आपने क्या लिया, मडी वाटर लिया है. मडी वाटर को आपने कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया. जब आप कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे. हेयर कुछ देर बाद आप देखेंगे सुपरनेंट लिक्विड, इट मीन्स सारे पार्टिकल्स नीचे, मड पार्टिकल्स जो है वो सारे नीचे सेडिमेंट हो गए और ऊपर लिक्विड क्लियर हो गई. इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक जो है क्या एक ग्लास की हेल्प से आप दूसरे कंटेनर में कॉनिकल फ्लास्क लगा के आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया. तो धीरे धीरे करके आप जो ट्रांसफर करेंगे तो इससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कम्प्लीटली. तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड क्लियर लिक्विड थी वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगी और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो दूसरे उसमें ट्रांसफर हो जाएगी. सो मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. हम मडी वाटर को इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट ये अभी भी एक कंप्लीट नहीं है, प्रोसेस नॉट कंप्लीट. तो सेकेंड इज बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे हम घर में चाय बनाते हैं, चाय को हम छानते हैं, तो बिल्कुल वही काम है फिल्ट्रेशन में, जस्ट उसको फिल्टर करना. इन दिस मेथड द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर. आप इसमें क्या, इसमें हम घर में छन्नी का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर पेपर. आपने लैब में देखा होगा ये सर्कुलर वे में होता है फिल्टर पेपर. इसको आप ऐसे क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे. पहले तो ऐसे मिड से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको फोर फोल्ड करके कोन शेप में कोन फोल्ड बना लेंगे. ओके, मेथड ऑफ मेकिंग कोन फिल्टर. आपने क्या कर दिया, कोन फिल्टर लगा लिया. उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए आपने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लगा रखा है, ये इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कोन फिल्टर लगा हुआ है. इस कोन फिल्टर में आप देखेंगे आप इससे धीरे धीरे इस इनसॉल्युबल रेसिड्यू को ट्रांसफर करेंगे. एक ग्लास रॉड है, इस रॉड से डालेंगे आप, ऐसे डाल देंगे तो सारा एक बार में चला जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे डालेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे वो क्या होगा, जो भी रेसिड्यू होगा मतलब जो मड जो पार्टिकल्स होंगे बड़े वाले वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे और जो क्लियर लिक्विड होगी वो कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगी. तो जब इस तरीके से आप करेंगे फिल्टर पेपर लगा के, तो आप सिंपली एक प्रोसीजर है फिल्ट्रेशन, इससे आप लिक्विड को किसी भी सॉलिड से, सॉलिड और लिक्विड की मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. सो आपने क्या देखा, द सस्पेंडेड सॉलिड इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर पे रह जाएगी. वेयर इज द क्लियर लिक्विड पासेस आउट फ्रॉम द फिल्टर पेपर कॉल्ड फिल्ट्रेट. जो फिल्टर पेपर से पास हो गए उसको हम क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेट. और जो उस पर रह गई है उसको, जो सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू. जो रह गया उसको कहेंगे रेसिड्यू और जो क्लियर लिक्विड पास हो गए उसको क्या कहेंगे हम, फिल्ट्रेट. ओके बेटा, सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. And this activity is just possible just because of filter paper. For example, a mixture of chalk and water can be separated. हम इस method से उसको भी separate कर सकते हैं. Sawdust and water, charcoal and water can also be separated by this method. Third है आपका distillation. Third, by distillation हम उसको separate कर सकते हैं. The process of converting a liquid into a vapor by heating a boiling point and condensing the vapor to get the प्योर लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम, हमारे पास एक है पॉइंट की हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट दें ताकि वो किस में बदल जाए, लिक्विड में.
जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसको हम वेपर फॉर्म में कंडेंस कर लेंगे. कंडेंसिंग थ्रू द वेपर टू गेट अ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. अब हम इस एपरेटस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. हियर ये पूरे एपरेटस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसीजर के एपरेटस कहते हैं. ये स्टैंड है, ये प्रॉपर इसे स्टैंड में हमने इसको फिक्स किया. ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये बंसन बर्नर है, ये वायर गॉज लगा हुआ है, ये फोर टेट्रापॉड एक स्टैंड लगा हुआ है. ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है डिस्टिलेशन में, इसको बोलते हैं लिबिक्स कंडेंसर. इसको हम क्या बोलेंगे, लिबिक्स कंडेंसर. ये लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज कॉनिकल फ्लास्क. आप क्या करेंगे, आप जब इसमें हीट देंगे तो यहां पर जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जैसे ही इस पे हीट लगेगी, यहां पर हमने एक थर्मोमीटर भी फिक्स करके रखा है, इसमें जाने के बाद वो क्या होगा, ये देखिए यहां से वो कंडेंस होके वेपर फॉर्म में. इसीलिए इस कंडेंसर का यूज करते हैं कि जो यहां से वेपर निकलेगी उसको हम लिक्विड फॉर्म में यहां पर कंडेंस कर लेंगे. सो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होंगे लिक्विड वाले, हम उसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वॉटर बाय दिस मैथड. फॉर दिस पर्पज द एपरेटस इज फिल्टर्ड एज शोन बिलो. द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. हम क्या करेंगे, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेंगे और उसके बाद ऑन हीटिंग, जैसे आप वेपर प्रोड्यूस, जो ऑन हीटिंग वेपर ऑफ लिक्विड वॉटर आर प्रोड्यूस्ड. सो क्या होगा, द कंडेंस इन कंडेंसर, वो क्या होंगे, कंडेंसर में कंडेंस हो जाएंगे, कलेक्ट इन द रिसीवर. उसके बाद हम उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे. द नॉन वोलेटाइल सोडियम क्लोराइड इज लेफ्ट बिहाइंड. उसमें क्या रह जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड इज लेफ्ट बिहाइंड. सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल को आप लेंगे, आयोडीन को, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. आप सिंपली इसमें ये समझ सकते हैं कि जब दो सब्सटेंस हो गए तो जो लिक्विड का, उसमें जो लिक्विड होगी उस वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होके वेपर देने लग जाएगी, और जैसे ही वेपर देने लग जाएगी, वेपर यहां से कलेक्ट होके ये क्या होगी, कंडेंसर कंडेंस करके यहाँ लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर देगा. तो इससे लिक्विड हमें क्लियर लिक्विड मिल जाएगी और रेसिड्यू, यहाँ पर रेसिड्यू के फॉर्म में जो आपका दूसरा सॉलिड पार्टिकल होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा. फोर्थ है बाय एवोपरेशन. एवोपरेशन से भी आप इसको कर सकते हैं. एवोपरेशन आपको पता है कि एक प्रोसीजर है जिसमें लिक्विड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैसेस में, बस आपको हीट अप्लाई करनी होती है. सो टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे भी एवोपरेशन तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे भी हो जाएगा, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसीजर में क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा. एवोपरेशन में उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो बॉइल होने, स्टीम देने लग जाता है, वेपर देने लग जाता है और वो प्रोसीजर कंप्लीट होने जाता है. तो इट इज यूज टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट. ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जिसको हम फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट से सेपरेट कर. फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वॉटर. क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ, जिस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट को किससे लेते हैं, कॉमन सॉल्ट एंड वॉटर के मिक्सचर से. हेयर यहाँ पे दिया हुआ एवोपरेशन ऑफ अ वॉटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड कॉमन सॉल्ट. आपने क्या किया, ये पोर्सलिन डिश, चाइना डिश जो होती है, इसमें आपने क्या रख दिया, ये देखिए वॉटर वेपर्स रिलीज होने की, जैसे उस पर हीट लगा क्या हो गया, ये बंसन बर्नर, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये सैंड बाथ है. सैंड बाथ यहाँ पर एक सैंड बाथ इसलिए कहा गया, इसके अंदर सैंड रखी हुई जो इसको हीट पास करेगी, तो क्या होगा, इससे वाटर एवोपोरेट हो जाएगा और वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा. ओके बेटा, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.